हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में और मेरे इस चैनल पे। अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करना, तो बेगर व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए, और साथ में जो भी अपना बंदा फेसबुक पर वीडियो देख रहा है फेसबुक पर शेयर ज़रूर करें अपनी प्रोफाइल पर। इस वीडियो के नीचे शेयर बटन आएगा, फेसबुक पर शेयर ज़रूर करें। बाकी ये देख सकते हैं आप, ये रेलवे प्रोजेक्ट पे हम आए हैं पहली बार। रेलवे का पुल देख सकते हैं आप, ये मैं आपको बता दूं कि आ जाते हैं, हम आए हैं अभी बनिहाल में। और ये USBRL के अंडर काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और ये इरकॉन के अंडर आ जाता है, शिवा स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी ने ये काम पकड़ा है, इरकॉन के अंडर शिवा स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पुल का काम लगा हुआ है, टनल का काम भी लगा हुआ है, लगभग टनल और पुल तैयार ही है। हम थोड़ा ऊपर जाके अब देखते हैं, नीचे से आप देख सकते हैं पुल का काम, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे ये पुल है, रेलवे पुल। तो पहली बार मैं अपने चैनल पे रेलवे कवर कर रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्यार दिखाएंगे ना, तो फिर मैं और भी जगहों पे जाऊँगा रेलवे वाली पे, जहाँ पर रेलवे का काम लगा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे टनल देख सकते हैं यहाँ पर। पहले हम टनल की एक साइड में चलते हैं, फिर दूसरी साइड को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अभी पटरी वगैरह का काम होना है, टनल का काम ऑलमोस्ट हो चुका है, अब टनल के अंदर चलते हैं। तो जितने ज़ोरों से फोर लेनिंग और टनल्स का काम लगा हुआ है, मतलब कि नेशनल हाईवे का NH-44 का, उसी तेज़ी से यहाँ पे रेलवे का काम भी चालू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बनिहाल में, तो यहाँ पे टनल आप देख सकते हैं, ये रेलवे का टनल आ जाता है। अभी पटरी का काम होना है, बाकी पुल तैयार है, टनल भी ऑलमोस्ट तैयार ही है। बाकी आपको टनल की लेंथ वगैरह सामने लिखी हुई है, T-74 कुछ लिखा हुआ है नाम, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो ये हम चल रहे हैं टनल के अंदर। तो ये देख सकते हैं, बाकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी। तो यहाँ पे भी अभी थोड़ा छोटा मोटा काम बचा है पटरी वगैरह का, बाकी टनल आप देख सकते हैं कितना प्यारा टनल है। और लगभग टनल तो कंप्लीट ही है, बस इसमें पटरी वगैरह का काम होना है। बाकी अब थोड़ा और आगे तक चलते हैं, बाकी आपको लेबर वगैरह सभी भाई वगैरह काम, जो जिनका मेन योगदान रहता है टनल बनाने में, सब लगे हुए हैं और आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी अभी और पीछे चल के देखते हैं, आपको दिखाता हूँ टनल का काम। यहाँ पे देख सकते हैं बजरे वगैरह, बाकी सामान पड़ा हुआ है। तो ये वाला टनल जो बाकी टनल से ही उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये छोटे मोटे टनल्स नहीं होंगे ना, तो मतलब उधमपुर कटरा को श्रीनगर से जोड़ना, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया को श्रीनगर से जोड़ना इम्पॉसिबल है इन टनल्स के बिना, इन पुल के बिना। तो ये टनल, ये पुल भी उतने ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं, तो बाकी टूरिस्ट जो रेस्ट ऑफ इंडिया से देख रहे हैं, उनको सोच रहे होंगे कि हम वो रेल से कब कश्मीर जा सकते हैं। अभी मैं बता दूं, रेल से वो उधमपुर तो आ सकते हैं अभी, फिर वही रेलवे लिंक बाद में कुछ टाइम बाद कटरा भी जा सकते हैं, बाद में रेल से ही श्रीनगर भी जा सकते हैं, जिससे वो जल्दी भी पहुँच जाएंगे, उनके पैसे भी बचेंगे और काफ़ी कम्फर्ट भी होगा। बाकी मैं पुल दिखा दूँ बाहर से, पुल देख सकते हैं कितना, मतलब जैसे ही टनल की एक साइड ओपन होती है पुल आ जाता है, और पुल जैसे ही आएगा, ये पुल का ये वाला एंड ख़त्म होगा तो दूसरे वाला टनल स्टार्ट हो जाता है। देख सकते हैं इंजीनियरिंग की खूबसूरत मिसाल। तो हाइट देख सकते हैं पुल की कितनी ज़्यादा है, ये रेलवे पुल आ जाता है बनिहाल में। तो बाकी लोग जानना चाहते होंगे कि कितना टाइम लग जाएगा, लगभग अभी तक जो वक्त मान के चलिए कि 2 ईयर्स, 2 साल में हो सकता है, 2 साल के बाद टनल वगैरह तो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, हो सकता है 2 साल के बाद ट्रेन वगैरह भी चलने लग जाए। ट्रेन तो अभी भी चलती है, बट वो बनिहाल टू काजीकुंड, बनिहाल टू श्रीनगर जाती है, बनिहाल को कटरा से नहीं जोड़ा है अभी, मतलब उधमपुर से नहीं जुड़ा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो लगभग 2 साल के बाद पूरा, समझो हम कह सकते हैं, रेलवे तैयार हो जाएगा। तो लगभग अभी 2 साल लग जाएंगे, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी हद तक काम हो चुका है, बस अब छोटा काम रहा है पटरी का, बाकी जो मेन जो टनल का काम था वो ऑलमोस्ट रेडी है। साथ में देख सकते हैं दूसरा वाला पुल जो दूसरी साइड है,
उसका काम भी लगभग कंप्लीट ही है, खाली उस पर भी पटरी का काम रहता है, छोटा मोटा काम रहता है। तो हम दूसरे वाले एंड पे चलते हैं। आपको आपको इस टनल की लेंथ वगैरह दिख गई होगी, अगर आप नहीं देखी आपने तो आप पॉज करके देख सकते हैं बैक में। अब नेक्स्ट वाले टनल के पास चलते हैं जो दूसरा वाला एंड आ जाता है पुल का। तो पुल के ऊपर भी रेलिंग वगैरह का काम हो चुका है साइड से, पुल तो काफ़ी बड़ा है टनल से कंपेयर करें तो। तो यहाँ से नीचे दिखा दूँ मैं एक बार, ये देख सकते हैं हाइट, तो देख के डर लगता है गाइस। वो देखो पुल की लेंथ सामने, तो एक पहाड़ी से निकला टनल, फिर पुल आ जाता है, और पुल पुल के बाद दूसरी पहाड़ी आ जाती है जिसके अंदर से टनल आता है। तो काफ़ी छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं बट उतने ही ज़्यादा मैटर करते हैं जितने वो बड़े बड़े ब्रिजेस, बड़े बड़े टनल्स मैटर करते हैं, उतने ही मैटर ये सब बनिहाल वाले, खड़ी वाले, पुल भी, टनल भी मैटर करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से मैं दिखा दूँ आपको नीचे, नीचे देख सकते हैं, नीचे देख के डर लगता है। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी है। तो अभी हम उस टनल के अंदर थोड़ा पास में चलते हैं, अंदर तक जाएंगे। तो साथ में मेरे को प्लीज़ ये बता दीजिए अगर आप इस वीडियो को प्यार करते हैं, काफ़ी ज़्यादा शेयर करते हैं, हम और भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स को कवर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस टनल का नाम लिखा है T77 और लेंथ भी दी गई है। जो पीछे वाला था शायद से वो T74 था। अब इसके अंदर चलते हैं, दोनों सुरंग ओपन हो चुकी हैं। तो इन सब टनल्स का बनाने का यही है क्योंकि कटरा को काजीकुंड के साथ कनेक्ट करना है। ऐसे बनिहाल टू काजीकुंड चलती है और कटरा से बाकी जगहों से, दिल्ली वगैरह से भी ट्रेन चलती है। बस जो मेन है कटरा टू काजीकुंड या कटरा टू बनिहाल को कनेक्ट करना है। ये टनल देख सकते हैं T77 लेंथ इसकी दी गई है। इसके अंदर चलते हैं और मैं बता दूँ इस प्रोजेक्ट में लगभग 111 किलोमीटर जो भी है टोटल प्रोजेक्ट, इसमें से 97 किलोमीटर टनल से ही है, सुरंग ही है, मतलब 97 किलोमीटर का रास्ता टनल्स का ही है। तो आप सोच सकते हैं इंजीनियरिंग की कितनी बड़ी मिसाल है, 111 किलोमीटर इस पूरे भाग में 97 किलोमीटर सुरंग रेल मार्ग ही है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ टनल्स ही टनल्स देखने को मिलेंगे, सिर्फ टनल ही टनल। और देश का सबसे लंबा 12.75 किलोमीटर का सुरंग जो कि T49 भी इसी प्रोजेक्ट में शामिल है, जो कि कटरा टू काजीगुंड का आ जाता है। ना सिर्फ लंबी बल्कि 359 मीटर का ऊंचा, विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चेनाब ब्रिज भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो कि आ जाता है, जिसको कश्मीर से कनेक्ट करना है हमने रेस्ट ऑफ इंडिया को, कटरा टू काजीगुंड का जो प्रोजेक्ट है USBRL का, इसके अंडर ही 359 मीटर का विश्व का सबसे ऊंचा चेनाब ब्रिज भी आ जाता है, और 12.75 मीटर देश की सबसे लंबी सुरंग भी आ जाती है। बाकी ये वाली टनल देख सकते हैं आप, इसके अंदर थोड़ा सा नीचे काम होना है, नीचे भी पानी पानी कीचड़ कीचड़ है। तो ये देख सकते हैं टनल, दोनों साइड ओपन हो चुकी हैं टनल्स की। बाकी इसी प्रोजेक्ट में आपको बता दूँ और भी काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। देश का पहला केबल हैंगिंग रेल ब्रिज भी देखने को मिलेगा, मतलब इंजीनियरिंग की कितनी बड़ी मिसालें हैं वो, जो कि हमको देखने को मिलेगी इस कटरा टू काजीकुंड वाले प्रोजेक्ट में। तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन का काफ़ी ज़ोरों से काम लगा हुआ, आप देख सकते हैं। मैंने आपको ये भी टनल दिखाया, तो इसमें थोड़ा सा टनल तैयार ही है लगभग, पुल भी तैयार है, बस पटरी का काम रहता है, नीचे से भी थोड़ा सा काम रहता है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सब। बाकी बात करते हैं, लगभग 40 से 80% काम पूरा हो चुका है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि 2 साल के बाद हो सकता है कि हमको ट्रेन चलती हुई दिख जाए। ट्रेन तो अभी भी चलती है कटरा तक, बाकी दिल्ली से, अमृतसर से कटरा तक, और देखने को मिल जाती है बनिहाल से भी चलती हैं, श्रीनगर काजीकुंड मतलब जाती हैं, बस कटरा को काजीकुंड से कनेक्ट करना है।